हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत अच्छी खबर। जी, आज की हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे UPSRLM की वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आपको बताते हैं, अगर आप UPSRLM ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। इसमें आपको बताया जाएगा कि आप इस वैकेंसी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं जॉब, और इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको। तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि UPSRLM ने 1704 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, जो कि मैनेजर, असिस्टेंट और अकाउंट ऑफिसर्स के पदों के लिए वैकेंसी है। अगर आप वैकेंसी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 11 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के बीच आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आप 31 तारीख के पहले फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं 31 तारीख तक आपका सर्वर काम करे या ना करे। तो इससे बेहतर है कि आप पहले 31 तारीख के पहले पहले फॉर्म अपना फिल कर दें पूरी जानकारी के साथ। तो बता देते हैं आपको, इसका जो एज क्राइटेरिया लिमिट है वो बता दें, स्टेट लेवल पोजीशन के लिए आपकी एज मैक्सिमम 55 इयर्स होनी चाहिए। तो वहीं डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल पोजीशन के लिए आपकी एज मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी 40 साल तक है तो आप स्टेट लेवल पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें, इसकी एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है, तो आप बेचीजे को भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी एप्लीकेशन फीस है। तो वही आपको बता दें, इसे जो अप्लाई करने का मोड है वो होगा ऑनलाइन। जैसे कि नॉर्मली सभी रिक्रूटमेंट्स में ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड होता है, तो आप वैसे ही कर सकते हैं। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं। अब आपको बता दें, इसका एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होगा, जिसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके आप इसका एजुकेशन क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्राइटेरिया दिया गया है। अब आपको बता देते हैं इसका जो पे स्केल है, इसमें स्टेट लेवल के लिए जो पे स्केल दिया जाएगा आपको वो है 75,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक का आपको पे स्केल दिया जाएगा स्टेट लेवल के लिए। तो वही डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जो इसका पे स्केल होगा वो 45,000 से लेके 75,000 तक का पे स्केल आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए दिया जाएगा। तो वही ब्लॉक लेवल के लिए जो पे स्केल तय किया गया है वो है 25,000 से लेके 45,000 तक रुपीज आपको ब्लॉक लेवल के लिए पे किया जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि इसके अप्लाई करने के जो प्रोसेस है उसके लिए आपको ऑनलाइन मोड अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। आपको बता दें इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है पूरा, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वहां जाके आपको इसके ऑफिशियल लिंक पे क्लिक करना होगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म खुलेगा ऑनलाइन, उस फॉर्म को फिल करना होगा। उसमें दी गई जानकारी जो भी है पूरी तरह से भरनी होगी जानकारी, और आपको फोटो सिग्नेचर एक लिमिट साइज में उसको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आप पूरा फॉर्म ठीक से पढ़े, सही होने के बाद आप उसको सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपके लिए आप उसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। प्रिंटआउट निकालने के बाद उसको सेव करके रखिए, ताकि आप एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करें तो उसमें आपको सहायकमंद हो। जैसे दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली ऐसी ही वैकेंसीज के लिए हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच।